जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इरफान जी, लगातार आप लोगों का कहना था कि न्यायालय से हमें काफी उम्मीद है, लेकिन यहाँ पे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका मिला है, किस रूप में आप लोग ले रहे हैं? हेलो इरफान जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हेलो, ये आवाज आ रही है, बोलिए जी। आप लोगों का कहना था कि न्यायालय से आप लोगों को काफी उम्मीद है, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका मिला है। झारखंड हाईकोर्ट से जो दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया गया है, किस नजर से आप लोग देख रहे हैं, किस रूप से देख रहे हैं इसको? नहीं देखिये, हाईकोर्ट का जो जजमेंट है इस पे तो कुछ मैं नहीं, लगता है कि हम लोग हाईकोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का रुख हम लोग को करना चाहिए, और जो भी वर्डिक्ट आया है ये चौंकाने वाला जरूर है हम लोग को, लेकिन हम लोग निराश नहीं होंगे। हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां पे फिर हम लोग याचिका दायर करेंगे। लेकिन बीजेपी का लगातार कहना है इरफान जी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी कार्यालय जाना चाहिए था, पांचवा समन जारी कर दिया गया था, अगर वो ईडी कार्यालय जाते, तमाम सवालों का जवाब देते तो ये नौबत नहीं आता, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार भागते हुए नजर आ रहे थे, बीजेपी का आरोप है। देखिए, बीजेपी का जो आरोप है वो बिल्कुल निराधार है, रही है, और जिस प्रकार जहाँ पे हमारी सरकार है, जहाँ पे कांग्रेस शासित सरकार है, वहां पे हमें लगता है कि संवैधानिक संस्थाओं का उल्लंघन हो रहा है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या गुजरात में ईडी का छापा पड़ा है? क्या मध्य प्रदेश में ईडी का छापा पड़ा है? तो इन सारी बातें जो है कहीं कहीं हमें लगता है कि सही है, हम लोग कुछ संशय है इस मामले में। आपका कहना है जहां गैर बीजेपी शासित राज्य है वहीं पर जांच एजेंसियों का दबिस देखने को मिल रहा है, आपका यही कहना है? बिल्कुल, और मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं, इनके पिताजी ने राज्य लिया और मेरे पिताजी ने, उनका बहुत बड़ा योगदान है राज्य अलग होने में, और हम लोग जमीन घोटाले में हमारा नाम आ रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आ रहा है, क्यों हम लोग जमीन क्यों लूटेंगे? हमारे मुख्यमंत्री जी जमीन क्यों लूटेंगे, मैं जानना चाहता हूँ। जनता जितना मांगे जितना जमीन दे देगा हम लोगों को, लेकिन यही सवाल तो उठा है इरफान जी, आपने कहा कि जमीन घोटाला अगर हुआ है तो हम लोग क्यों करेंगे, लेकिन बीजेपी का कहना है कि आप अगर आप लोग सही है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सही है, तो उन्हें ईडी कार्यालय तो जाना चाहिए था ना। देखिए मैडम, ईडी के जो समन आया है उसके खिलाफ में हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाईकोर्ट से लेके आइए, हाईकोर्ट आया उसके बाद, अब हाईकोर्ट का जो याचिका रद्द हुआ है तो निश्चित तौर पर हम लोग थोड़ा सा हमें तो खराब लग रहा है, सबको खराब लग रहा है, लेकिन हमें लगता है कि हम लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, हम लोग जाएंगे फिर से। मतलब आप लोग सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाइएगा? बिल्कुल, हमें लगता है कि ये बेटर होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातें हमारे साथ साझा करने के लिए। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है Complete Solution Institute. यहाँ है Smart Classroom, 1-to-1 Doubt Clearing Session, Ask the Expert, Video Solution और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको Guide, बनेंगे आपके Mentor. Foundation Classes from Class 6 onwards. For your bright future, visit Complete Solution Institute.